अमृतसर में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का मुजाहरा जारी है और किसान तंजीम अभी भी रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहां किसानों ने रेलवे ट्रैक पर कपड़े उतारकर मुजाहरा किया और मरकजी हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर कृषि बिल वापस नहीं लिया गया तो उनका एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। जो खेती ऑर्डिनेंस जो मोदी किसानों के बरखिलाफ ला रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट जो पुराना एक डेढ़ महीने से कर रहे हैं, जो जेल भरो आंदोलन भी हमने किया, डीसी दफ्तरों का घिराव भी किया, उसके बाद तीन पुल हमने ब्यास दरिया के जाम किए। आज हम कपड़े उतार के इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसानों को लूट रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके लिए एक किसानों ने कपड़े उतार के अपना विरोध जाहिर किया है। और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोको प्रोटेस्ट को 29 सितंबर तक जारी रखने का ऐलान किया है, जिसके तहत आज भी किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। पहले रेल रोको प्रोटेस्ट 24 से 26 तक रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 29 सितंबर तक करने का ऐलान किया गया है। साथ ही कमेटी ने कहा है कि 27 तारीख को खवातीन केसरी चुनरी लेकर रेल ट्रैक पर बैठेंगी और 28 सितंबर को नौजवान रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। वहीं 29 सितंबर के बाद का फैसला 28 सितंबर को होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। आज जो हमारा जो रेलवे ट्रैक पर जिंदियाला गुरु के पास देवीदासपुरा में धरना है, आज तीसरे दिन में दाखिल हो रहा और लगातार चल रहा है। ये धरना हमने अपनी फैसला करके 29 तारीख तक और बढ़ा दिया है। आज आप देखेंगे भी पूरे पंजाब में इस आंदोलन को माझा, दुआबा और मालवा तीनों रीजन्स में हमारे प्रोटेस्ट होंगे। ठीक है, आप देखेंगे माझा में अमृतसर है, गुरदासपुर भी अब खुल जाएगा थोड़ी देर के बाद। आप दुआबा में देखेंगे होशियारपुर, जलंधर ये भी खुलेंगे, माझा में तरन तारण भी खुल जाएगा। इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, हम ये आगे से आगे लेके जाएंगे और हम देश के लोगों को, जितनी भी देश की ट्रेड यूनियंस है, देश के जितने भी किसान है, मजदूर है, पूरे देश भर के लोगों को इस रेल रोको आंदोलन को और एक दो दिन में कहते हैं भाई और तेज करिए, पूरे देश में इसको फैलाइए। आप देखेंगे ये रेल रोको आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। पटियाला में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की जानिब से कृषि बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है और किसानों ने यहां मरकजी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि बिल वापस लेने की मांग की। किसान तंजीम ने साफ कर दिया कि जब तक मरकजी हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। किसानों के प्रोटेस्ट में किसान अपने बच्चों को भी लेकर पहुंच रहे हैं, बच्चे भी नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार दे अनलेखियां कारण यह सारा कुछ हो रहा। जे सरकार लोगों के हक के कानून बनावे तो लोगों सड़कों पर आने की लोड़ नहीं। हुण लोग जागृत होए ने जी, क्योंकि जी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की जथेबंदी आ, ये गड्डियां दे उत्ते स्पीकर बन के दिन रात लोगों जागृत करती आ, कानूनों बारे दसदी आ, अपने हकों बारे दसदी आ, अपनी लोक ताकत बारे दसदी आ। साडे पंजाब दे किसान ने जिहड़े उहदा 70-72 सालां तों लोग इह गल नूं भली भांत जाण चुके ने, तां ही जिहड़े संघर्षां दे पिड़ ने साडे ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।